गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूं एक और एफएफ लेके जिसका नाम है दैट्स हाउ यू बिकम एवरीथिंग और ये है शियांगवेन एफएफ। और तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जैसे जो इसमें जो करेक्टर है वो फुल्ली चेंज है, मतलब किनर पर्सनैलिटीज वगैरह थी। तो फिर गाइस आप प्लीज कन्फ्यूज ना हो और करेक्टर्स के नाम और उनकी पर्सनैलिटी भी यहाँ की मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी चेंज है, सब हर तरह से टोटली एक दूसरे से चेंज है। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज ना होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें टॉप विंग है, मैं आपको पहले बता दूँ। ओके गाइस, तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और इसमें जो सब सेक्ट से सब लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है गाइस। गुसू में ये यहाँ लेंस है, गुसू सेक्ट लेंस एक्ट की, सॉरी गाइस लेंस एक्ट में गुसू, हाँ लेंस एक्ट के गुसू में पढ़ने आते हैं लेंस एक्ट के। तो वहाँ सब पढ़ने आते हैं और वहाँ हमें पता चलता है वहाँ दो मतलब कि जैसे न्यू सॉन्ग आता है वेंजिंग वेनिंग आते हैं, और जैसे कि हमने जियांग चैन जियांग यानली ये देखे थे। और यहाँ पे जो न्यू सॉन्ग के बिग ब्रदर होते हैं उनका नाम क्या था, नी मिंजू जो वो होते हैं वो इसमें नहीं है, मतलब उनका करेक्टर नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। मैं आपको पहले बता दूँ ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है। और तो अब और यहाँ से आते हैं जियांग से आते जियांग यानली और जियांग चैन, और यहाँ इनके साथ विंग नहीं आता, विंग के विंग आता है वी सेट से, मतलब यहाँ पे वी सेट की जो है वी सेट तबाह नहीं हो चुका, लेकिन जो विंग के पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। और अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ये लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ पे विंग के साथ उसका एक भाई भी आया जो है यांग वी यांग, और ये दोनों ट्विंस हैं। और जो यहाँ पे विंग की पर्सनैलिटी है वो है कोल्ड रूड, लेकिन कभी कभार वो काफ़ी दफ़ा डर भी जाता है, मतलब थोड़ा डरपोक टाइप भी है, मतलब जैसे न्यू एग्जाम था, लेकिन ये अच्छी पर्सनैलिटी है। और इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे कि ये क्यों ऐसा है विंग, ठीक है। और आगे जाके हमें सब कुछ पता चलेगा और ये बहुत ही सस्पेंसल स्टोरी है। और जो यहाँ पे लांगवांग जी है वो यहाँ पे एक नॉर्मल उसकी पर्सनैलिटी है, मतलब कि जैसे कोल्ड रोज रोड था वो इस तरह का नहीं है, यहाँ पे वो कूल पर्सनैलिटी है, मतलब ज़्यादा बात होगा अभी भी नहीं करता लेकिन रूड नहीं है। और वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे वहाँ जी के जो पेरेंट्स हैं वो हैं, और वो अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा अटैच है, और ख़ासतौर पे अपनी मदर के साथ। और उसके जो अंकल हैं वो भी सही है, मतलब कह रहा वो पहले की तरह वो भी जैसे एफ एफ में हमने सुना है वो वैसे नहीं है, लेकिन वो अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी उनकी चेंज है लेकिन वो अपने रूल्स को बहुत अच्छे से मानते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं कि सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सब जो है वो अपना इंट्रो दे रहे हैं। तो स्टार्ट होता है पहले न्यू हेसांग से, वो कहते हैं कि ना मैं नी सेक्ट से हूँ न्यू हेसांग, वो ये बोलते हैं। और फिर बैठ जाते हैं और फिर जो होता है वेंचिंग वेनिंग, वो ये बोलते हैं कि हम वेन सेक्ट से हैं वेंचिंग वेनिंग, और ये क्या कि वो बोल बैठ जाते हैं। और फिर जैसे हमने वेंस का देखा तो वो भी अपना इंट्रो देते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं जियांग। तो फिर जो जंग से होता है वो कहते हैं मैं जियांग वाई हूँ जियांग सेक्ट, तो ये मेरी सिस्टर बड़ी सिस्टर मेशी जे जियांग यानली। और फिर उसके बाद फिर वी सेक्ट से खड़ा होते हैं फिर वो आइंग, ठीक है गाइस वो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि और फिर वो खड़े होते हैं कहते हैं ये मेरा भाई है, और एक्चुअली हम दोनों ट्विन्स हैं, ये मेरा भाई है वे वो शान और मैं वे वो आइंग, मतलब वे आइंग और ये है वे वो और ये है विंग। और तो फिर कहते हैं कि ना वो करते हैं और फिर कहते हैं हम वी सेक्ट से, और ये बोलते हैं तो फिर ना जो वो होता है विंग वो सबकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं अजीब लुक से, और फिर ना जो होते हैं वहाँ जी के अंकल एंड चिल्ड्रन उनकी तरफ देखते हैं, देखता अचानक से वो करता और फौरन बैठ जाता है, जिसको देखे सारे शौक होते हैं ये क्या था। तो फिर ना कहते हैं सॉरी मेरे भाई की वजह से एक्चुअली ये थोड़ा डर रहा सबसे, तो फिर सारे देखे शौक होते कहते, तो जो लेंच रन होते वो कहते क्यों डर क्यों नहीं, कहते आई एम सॉरी बट लेकिन ना इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, क्योंकि अगर ये नए लोगों को देखते तो ये उनसे डरता है, तो ओके ठीक है भाई मसला नहीं। तो फिर वैसे कहते हैं और फिर ना यहाँ पे इनका फर्स्ट डे गुजरता है, और लास्ट में इनको वर्क दिया जाता है कि आपको वन वीक के अंदर ये 3500 रूल्स याद करने हैं। तो फिर कहते हैं कि आपको 5500 फुल उसमें याद करने हैं वीक में, तो फिर इन सब कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे होते हैं और जो लंच रन होते हैं वो फर्स्ट आते ही ये बोलते हैं कि रूल्स किस किस ने याद किए, तो वेंचिंग वेनिंग न्यू सॉन्ग शिजे जो होती हैं जो ये जियांग यानी होती है जियांग चैन विंग और आइंग, ये सारे खड़े होते हैं यांग
यहाँ गाइस मैं सॉरी भूल रही हूँ, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो ये खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि ना हमने याद किया, और फिर ना बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ना हमने कहते हैं और आप लोगों ने क्यों नहीं याद किया, कहते हैं ना हम आपको ना इकट्ठे याद करके हम आपको वाली भी एक बात सारी सुना देंगे, कहते हो ओके ठीक है लेकिन मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। तो फिर वो सारे कहते हैं ठीक है, और फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि ना अच्छा आप लोग सुनाए आपने आप लोगों ने कितने याद किए। तो जो न्यू हुसांग होता है वो कहते हैं मैंने 500 याद किया, जहाँ चाहिए कहते हैं मैंने भी 500 किया, जो जल्दी होती है वो कहते हैं मैंने 800 किया, जो वेनी होता है वो कहते हैं मैंने 900 किया, और चिंग क्या होती है वो कहते हैं मैंने 900 किया, और जो वेनिंग होता है वो कहते हैं मैंने 700, और जो यंग होता है वो कहते हैं मैंने 1000। तो फिर ना ये सुन के साथ शौक होते कहते हैं 1000 कहते हैं हाँ। तो फिर ना अंकल उसके बीच में से एक दो सुनते हैं वो ना, तो फिर वो बिल्कुल सही सुनाते हैं, तो फिर कहते हैं वेरी गुड। और उसके बाद फिर विंग से बोलते कहते तुमने कितने याद किया, तो फिर विंग उनकी तरफ देखते रहते कहते मैंने फुल याद किया, अचानक से बोलता और बोलते बोलते इधर, तो फिर सारे सुन के शौक होते कहते हैं हाँ, वो इस तरह देख रहा होता। तो फिर कहते हैं अच्छा, और जो अंकल होते वो फिर से बीच बीच में से फुल 3000 फिर 500 में से सुनते हैं, और जो विंग होता है सबके आंसर्स बिल्कुल सही देते हैं जिससे देखते सारे शौक होते हैं। तो फिर ना जो यंग होता है उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, तो फिर ना विंग उसकी तरफ देखते हैं कहते क्या ऐसे कोल्ड वॉइस में कहते कहते तुम रात को सोए नहीं थे, कहते नहीं मैं सो गया था जब नाइट कर्फ्यू लगा था 9 पे तभी सो गया था, वो इसी तरह अभी खड़े ही हुए थे और बात कर रहे थे। तो फिर कहते कि ना फिर तुमने याद कैसे किया, कहते मैंने खाना नहीं खाया, कहते क्यों खाना क्यों नहीं खाया तुमने, तो कहते कि ना मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं खिलाओगे तो नहीं खाऊंगा, कहते मैंने तुम्हें खाता था मैं नहीं आ सकता, मुझे रूल्स याद करने थे, कहते हैं तुम्हारा मसला, कहते हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, तो फिर ना कहते हैं हाँ मैंने कर लिया, कहते वो कैसे कर लिया, कहते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, ये कहीं वो बैठ जाता, तो फिर ना कहते हैं तो फिर ना ये बम जी सोचे थे ये किस तरह की पर्सन है, कल तो ये डर रहा था आज ये अजीब तरीके से कोल्ड रूट टाइप और ये इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है। तो जो लंच ना तो कहते अच्छा ठीक है ये आप अपने पर्सनल मैटर्स बाद में सोल्व कीजिएगा, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और फिर इस तरह के साथ डे भी क्लास का गुजर जाते हैं, और गाइस ये है बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी। तो यहाँ पे अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ कि आपको कैसा लगे, तो मुझे अगर जैसा लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय।